हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ, तीखी चटपटी खिचड़ी बनाने की, सिंपल तरीके से। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एक कटोरी में मैंने दाल ले लिया है लाल मसूर की, एक कटोरी में मैंने चावल ले लिया है, ये कच्चा चावल है, दो टमाटर ले लिए हैं बड़े बारीक कटे हुए, और एक प्याज ली है मैंने, हरी मिर्ची ले ली है इसमें दो टुकड़ों में मैंने इसे काट ली है, और दो गाजर लिए हैं मैंने, और हरे मटर भी मैंने ऐड किया इसमें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने आधा चम्मच करीब हल्दी ले लिया है, आधा चम्मच करीब मैंने धनिया पाउडर ले लिया है, एक चम्मच के करीब मैंने नमक ले लिया है, और मैंने ये सामग्री भी ली है, लेकिन ये अभी नहीं डालनी है, ये हमें जब हमारा खिचड़ी पक जाएगा जब हमें इसका तड़का लगाना है। पांच मैंने लहसुन की कली ले ली है, आधा चम्मच करीब मैंने जीरा लिया है, तीन मैंने लाल मिर्ची ले ली है साबुत, धनिया ली है, लेकिन ये हमें अभी नहीं डालना है, जब हमारी खिचड़ी पक जाएगी जब हमें इसे बाद में एडिट करना है। चावल और दाल को अच्छी तरीके से धो लिया है, अब हम इसमें 3 गिलास पानी एडिट करना है इसमें, इस तरीके से। अब हम इसमें सब्जी डालेंगे, जो भी हमने सारा ये चीज़ सारा सामग्री काट के रखा था, अब ये सब चीज़ हमें डालना है, हमें कोई तड़का या कुछ नहीं लगाना, हमें इसे अच्छी तरीके से उबालना है, जिस तरीके से सादी सिंपल खिचड़ी को उबाला जाता है। अब हम इसमें ये मसाले डालेंगे इस तरीके से, अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसे हमें गैस पे रखना है, गैस में हमारी जल चुकी है, अब हम इसमें पतीला रखेंगे इस तरीके से, अब इसे प्लेट से ढक देंगे, हम ढक देना है। अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं कैसा लग रहा है, देखने में इसके अंदर झाग से आ रहे हैं, इसे हमें अच्छी तरीके से हिलाना है इस तरीके से, इसे अच्छी तरीके से 5-5 मिनट में हिलाना भी है, नहीं तो ये लग जाएगा, जिससे खिचड़ी जल सकती है हमारी इस तरीके से। इसे हर बार 5-5 मिनट में इस तरीके से ही देखना है, और इसमें जो ये झाग आएंगे इसके, इसे हमें इस तरीके से चम्मच से निकाल देना है, इसको ढक देंगे लगभग 5 मिनट के लिए, 5-5 मिनट में आपको चेक करना है। आप इसे अच्छी तरीके से देखते हैं, खोल के देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी खिचड़ी उबल रही है, इसे एक बार हम अच्छे से हिला देते हैं, इस तरीके से हिलाना है। अभी हमारी खिचड़ी अभी पकी नहीं है, लगभग इसे 10 से 15 मिनट और लगेंगे, इसे अच्छी तरीके से ऐसे चेक करते रहना, और इसे अब हमें ढकना नहीं है, अब इसे हमें खुला ही पकाना है, अच्छे से चेक करते रहना। जब हमारा चावल और दाल पूरा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा जब हम इसे बंद करेंगे। खिचड़ी लगभग हमारी बन चुकी है, आप लोग देखिए इसमें हमारा चावल और दाल पूरी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, इसे इस तरीके से अच्छे से 2-3 बार लगभग हिलाना है, जो ये अच्छे से मिक्स हो जाए पूरा। 5 मिनट के बाद इसे हमें बंद कर देना है। 5 मिनट हो चुके हैं, खिचड़ी हमारी बन के तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे अच्छे तरीके से। तड़का लगाने के लिए कढ़ाई रखेंगे, इस तरीके की कढ़ाई लेनी है हमें, तो इसे हम गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम तेल डालेंगे, 2 चम्मच के करीब तेल लिया है हमने, गर्म होने देंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे इस तरीके से, आंच को कम करके ही आपको खिचड़ी डालनी है, नहीं तो इसके छींटे मुंह के ऊपर भी आ सकते हैं। तड़का हमारा लगभग लाल हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे धीरे धीरे करके डालना है। और इस तरीके से लगभग आप 5 मिनट के लिए इस तरीके से पकाना है। हमने जो धनिया काट के रखी थी अब वो धनिया डालेंगे इसमें, और इसकी आंच कम करके रखनी है, तेज नहीं रखनी। धनिया हमने डाल दी है, अब इसे इस तरीके से हिलाना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए सिर्फ इसे उबालना है। खिचड़ी हमारी बन चुकी है, देखिए देखने में कितनी स्वादिष्ट और चटपटी लग रही है देखने में।
आप इसको घर पे जरूर ट्राई करना। चटपटी खिचड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।